हाई एवरी वन दिस इज अनम वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मैंजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसी के साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी फॉर योर पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन So, मैं आपको बता दू कि आज के इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एमसी आपके साथ डिस्कस करा है ये जनरली बहुत से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है सो so, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार ही देख लीजिएगा उसी के साथ साथ मैं आपको बता दू आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि आपके पहले एग्जाम जो है आपका ये ट्वेंटी अप्रैल को होने वाला था अब ये एग्जाम वन मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है अब आपका यह

पैटर्न आता है पेपर किस तरीके से आपको पूछा जाएगा तो so, याद आपका पेपर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में आपको 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो और पार्ट बी में आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि होते हैं आपके रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड So, मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स स्कोर करना होता है यानी आपको एग्जाम में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सही मार्क कर आना होता है सो so, अगर आप हमारे रिसर्च मेथोलॉजी के कोर्स uh, हमारे रिसर्च मेथोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजिली इस यूनिवर्सिटी के पी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे क्योंकि रिसर्च मेथोलॉजी के लिए हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करें रिसर्च मेथोलॉजी के हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे एमसीक्यूज प्लस थ्री थ्योरी लेक्चर हमने आपके लिए बना रखा है उसी तरीके से नोट्स नोट्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करा है नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जबकि इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि इंटरव्यू में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज पूछी जाती है एंड मॉक टेस्ट आपको देखने मिलेगा एंड 1000 प्लस प्रैक्टिस एम पीडीएफ जो कि रिवीजन का, का काम करेगी तो याद रखिएगा सारा रिसर्च मेथोलॉजी का कंटेंट हम आपको हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं सो so, आपको हमारे इस कोर्स को रिफर करके जल्द से जल्द हम प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है सो so, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है नॉर्मल वो इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मेटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया वहां से वन क्लिक में ही सारे स्टडी मेटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट So then, let's begin with the video. इस रिसर्च मेथेडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स नोट टेन फुलबस मॉकटेड प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हमारा जो ये रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंटेन है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसोर्च मेथोलॉजी के कंटेन में हमने कवर करे हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉकटेस है इसको एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर तो पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे So, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रख के आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विदिन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजलिये अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद पहला प्रश्न गुणात्मक शोध की कौन सी विधि नहीं है विच इज नॉट द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि गुणात्मक शोध की विधि हमें किस विकल्प में नहीं दी गई है यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है हमें यह पता लगाना है सो so, इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्च यानी गुणात्मक शोध होती क्या है so, सो नेम से ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा जो किसी चीज की क्वालिटी किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज के फीचर्स को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च अब याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जो भी डेटा मिलता है आप जो भी डेटा एकत्र करते हो वो आपको वर्ड और

कि मैं पूछूंगी लोगों से कि आपको उस फिल्म के जो एक्ट्रेस थे उनकी एक्टिंग कैसे लगी जो एक्टर थे कौन से एक्टर की एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी किस तरीके से उनको और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी सो यहाँ पर मुझे जो लोगों का रिस्पांस मिलेगा ये यस ये नो टाइप में या फिर नंबर्स के फॉर्म में वो मुझे तो रिस्पांस नहीं करेंगे सो यहाँ पर उनका जो रिस्पॉन्स होगा कुछ इस तरीके से होगा कि उस एक्ट्रेस की एक्टिंग हमें ज्यादा अच्छी लगी थी उस सीन में उसको इस तरीके से एक्टिंग करनी चाहिए थी So, yeah, पर मुझे जो भी रिप्लाई मिलेगा आ, लोगों से जो भी उनका ओपिनियन मैं लूंगी ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे डेटा मिलेगा ना कि नंबर्स के फॉर्म में मुझे डेटा नहीं मिलता है याद रखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ही डेटा मिलता है तो ये हो गए आपके क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च और गुणात्मक शोध होती क्या है अब हम मेथड्स देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के कुछ विधि होते हैं कुछ मेथड्स होते हैं सो so, हम एक-एक करके कर सारे मेथड्स देख लेते हैं सो ऑप्शन ए इंटरव्यू मेथड यानी स्टार विधि सो इंटरव्यू मेथड क्या होते हैं अब जैसे मान लीजिए आप किसी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट uh, uh, है आपने उनका इंटरव्यू ले लिया सो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनसे आप किस तरीके से इंटरव्यू लोगे आप उनसे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे हार्ट जो होती है उनसे रिलेटेड रिलेटेड पूछोगे पूछोगे उसके जो so जो सिम्टम्स होते हैं उससे सो वो हार्ट स्पेशलिस्ट को आपने करा है आपके इंटरव्यू के लिए सो so वो जो भी आपको रिप्लाई करेगा जो भी उसका आंसर होगा ये आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा अगर आप पूछ रहे हो कि हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं सो so यहाँ पर आपको वो यस और नो नहीं कहेगा वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि

केस स्टडी मेथड में फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप होता है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन होता है और उसके थ्रू हमें कुछ डेटा मिलता है उसे हम कहते हैं स्टडी मेथड अब जैसे फॉर मुझे आईफोन लॉन्च करना है न्यू आईफोन लॉन्च करना है सो मैं क्या करूंगी टू पीपल का ग्रुप बना लूंगी और उसमें आईफोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब आईफोन के बारे में किस तरीके से डिस्कशन होगा कि हो सकता है उसकी स्क्रीन और हम स्क्रीन क्वालिटीज को अच्छी कर ले और ऐप फीचर और दे लोगों को

पर्टिकुलर जैसे ये मेन तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड ये मेन रिसर्चर करते हैं और रिसर्चर रोल प्ले करते हैं मेन ऑब्जर्वेशन मेथड में अब किस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड होता है अब मान लीजिए रिसर्चर को कोई एनिमल पर स्टडी करना है उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करना है तो रिसर्चर क्या करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में जाके या फिर कोई फॉरेस्ट में जाके उस पर्टिकुलर एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे So, यहाँ पर रिसर्चर ने कुछ ऑब्जर्व किया और रिसर्चर उस ऑब्जर्वेशन को अपने एक्सप्लेन करेंगे अब मान लीजिए रिसर्चर ने कुछ एनिमल को ऑब्जर्व किया वो बताएंगे कि मैंने ये ये ऑब्जर्व किया उन, वो उनसे आ, एनिमल जो है एक दूसरे से ऐसा बिहेवियर था उनका तो यहाँ पर जो रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन मिल रही रिसर्चर ने जो डेटा कलेक्ट करा उनको अगेन वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में मिला सो so, ये भी आपको हो गया क्वालिटी रिसर्च का मेथड इसलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए बी एंड सी मतलब विकल्प ए बी सी ए तीनों भी गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है यानी विधि किस ऑप्शन में नहीं दी गई है तो so, ये तीनों भी ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड दिया गया था इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड यानी संख्या की विधि सो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है जिसमें आप मैथमेटिकल फॉर्मुल यूज करते हो ओके okay? आप क्या करोगे मैथमेटिकल आप आप यूज करोगे या फिर मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करोगे किस तरीके से आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला और टेक्निक्स यूज करोगे मान लीजिए आपने आप कुछ सैंपल्स पर रिसर्च परफॉर्म करी सैंपल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा ओके रॉ डेटा मिलता है आपको अब इस रॉ डेटे को आप एनालाइज करते हो इसको ऑब्जर्व करते हो तो आप किस तरीके से एनालाइज करते हो नथिंग बट योर स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर कर आप रॉ डेटे को आपके एनालाइज करते हो क्योंकि आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलाज टेक्निक्स यूज करते हो मैथमेटिकल टेक्निक्स आपका आप यूज करते हो स्टैटिस्टिकल मेथड में आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी करी कि पर, पर्टिकुलर कर कोई सिटी है सिटी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है तो ये देखने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल ही मैथड यूज करना होगा क्योंकि आपको ये देखना होगा कि एवरेज लोगों की इनकम कितनी है तो यहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड मेथड का तो का यूज करोगे सो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड संख्या के विधि अगला प्रश्न भारत सरकार द्वारा दो में जनगणना प्रयुक्त शोध पद्धति थी द रिसर्च मेथड यूज्ड इन सेंसस इन 2001 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा गया था सो so, यहाँ पर जनगणना का मतलब होता है सेंसस जो सेंसस हुआ था भारत में 2001 में सो so, उसमें हमने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया था हमें ये पता लगाना है यानी भारत सरकार ने कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा था हमें यह पता लगाना है सो so, हम अगेन एक एक कर कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे डिटेल में लेकिन अगेन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंसिस क्या होता है तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे यानी जनगणना क्या होता है सो so, याद रखिए जनगणना भारत में हर दस साल पर होता है ओके भारत में हर दस साल पर जनगणना होता है अब जनगणना क्या होता है सेंसेस ओके जनगणना का मतलब होता है सेंसेस जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे जितने भी व्यक्ति होंगे पॉपुलेशन में से हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो लेकिन हम जो बेसिकली रिसर्च परफॉर्म करते हैं उसमें हम सैंपल्स पर स्टडी करते हैं रिसर्च में सैंपल्स क्या होते हैं पॉपुलेशन के कुछ लोगों को ले लेते हैं आप यानी का कुछ पार्ट मान लीजिए में हंड्रेड लोग हैं तो आपने यहाँ पर थर्टी लोगों पर रिसर्च कर ली तो ये हो जाता है आपका सैंपल लेकिन सेंसेस यानी जनगणना क्या होता है आप पूरी 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 की पूरी पॉपुलेशन पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप डेटा कलेक्ट करते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से सो उसे हम कहते हैं सेंसेस एंड जनगणना और याद रखिए भारत में हर दस साल पर जनगणना होता है सेंसेस कंडक्ट करवाया जाता है ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अब मैं आपको बता दू सेंसेस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सर्वे मेथड इस प्रश्न का आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा सर्वे क्या होता है सर्वे करवा रहे हो आप एक एक लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सो so, उसे हम कहते हैं सर्वे सर्वे क्या होता है बेसिकली जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे so, हम कहते हैं सर्वे यानी सर्वेशन विधि सो जनगणना किस रिसर्च मेथड से हम कर सकते हैं सर्वेशन विधि से किस विधि से कर सकते हैं सर्वे मेथड से क्योंकि क्या होता है सेंसेज में आपको हर एक मेम्बर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है ओके okay, हर एक मेंबर से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो सो so, यहाँ पर आप क्या परफॉर्म कर रहे हो सर्वे सर्वे का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जमा करना सो so, यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं ऑप्शन ए हिस्टोरिकल मेथड हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है जिसमें आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो यानी पिछली जो घटनाएं होती है उसके बारे में स्टडी करते हो सो so, यहाँ पर हमें पिछली जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें प्रश्न नहीं पूछा गया है सो so, इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन भी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगत्मक विधि सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है जिसमें आप दो चरों के बीच में यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हो यानी कारण एंड प्रभाव बताते हो उनके बीच में कैसा संबंध है आप ये बताते हो जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये बताते हैं तो so, यहाँ पर हमें किसी चर से रिलेटेड कोई संबंध से रिलेटेड हमें प्रश्न नहीं पूछा गया है so, तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प सी के स्टडी मेथड के स्टडी विधि क्या होती है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इन डिटेल में स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बनाकर सो अगेन यहाँ पर हमें किसी ग्रुप में डिस्कशन नहीं पूछा गया है so, सो ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा सो so, इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वे मेथड सो so, याद रखिएगा सेंसस जो होता है जिसमें हम रिसर्च मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सर्वे मेथड अगला प्रश्न कौन सी एक अच्छी प्रश्नवली की विशेषता है व्हिच वन इज द कैरेक्टर्सटिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनअर सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्नवाली की एक अच्छी विशेषता हमें किस प्रश्न में दी गई है यानी क्वेश्चन एयर की गुड क्वालिटी और गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में दी गई है हमें ये पता लगाना है सो so, प्रश्नवली क्वेश्चन एर ये होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए सो so, याद रखिए क्वेश्चन एयर एक डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसके थ्रू जो रिसर्चर है यानी जो आपके शोध करता है क्वेश्चन एयर यानी प्रश्नवली के थ्रू अपना जो डेटा है उसको एकत्र करते हैं अब क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर होता क्या है आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन एयर एक लिस्ट ऑफ

यस नो टाइप में आप रिस्पॉन्स करोगे या फिर आपको टिक मार्क करना होता है कि आप जैसे आपको कोई फीडबैक फॉर्म होता है आपको uh, टिक मार्क करना होता है आप अग्री हो डिसग्री हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये क्या है आपके एमसीक्यूस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सो इस क्वेश्चन में आपको क्या होता है सारे विकल्प सही नहीं होते कोई एक ही विकल्प सही होता है सो so, ये हो गया आपके क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके ये होता है आपके क्वेश्चन का एग्जाम्पल आप अब जैसे मान लीजिए आप किसी आ, रेस्टोरेंट में गए आपने कोई मील लिया है तो आपको वो पूछेंगे कि हमारी मील की क्वालिटी आपको कैसे लगी हमारा फूड कैसा लगा क्या हमारा फूड टेस्टी था या फिर उस, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी आ, सो यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स करोगे आप ये यस नो टाइप में करोगे ओके गुड वेरी गुड एक्सीलेंट इस टाइप में आप करते हो जो आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है ओके okay? सो so, जैसे यस नो टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि आपके पास जॉब है तो आप क्या करोगे यस और नो में ही रिस्पॉन्स कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन का सो so, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर सो याद रखिये क्वेश्चन एयर में आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं सोसे so, हम कहते हैं क्वेश्चन एयर और क्वेश्चन एयर आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होती है यानी स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है जो पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं तो अब पर हमें क्वेश्चन एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वेश्चन एयर की प्रश्न की आपकी विशेषता बतानी है कि किस ऑप्शन में हमें से बेस्ट क्वालिटी दी गई है सो ऑप्शन ए आपको दिया गया है क्लियर एंड इजी क्वेश्चंस, यानी स्पष्ट और आसान प्रश्न सो so, इस क्वेश्चन एयर में कैसे होने चाहिए आपके क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए अगर आप एकदम हार्ड क्वेश्चन डिजाइन करोगे आप, आपके क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे सो so, आपके जो रिस्पोंडेंट है वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन एयर बनाते हो तो यहाँ पर आपको स्पष्ट यानी क्लियर और आसान प्रश्न रखना होता है तभी आपके जो रिस्पोंडेंट है जिससे आप कलेक्ट करने वाले हो वो आपको इजिली उसका रिप्लाई कर सकते हैं सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपकी करेक्ट क्वालिटी है गुड क्वालिटी है क्वेश्चन एयर की उसी तरीके से ऑप्शन बी सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के व्यवस्थित क्रम तो so ये yes, आपको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए आप किधर भी कई भी क्वेश्चन नहीं एडजस्ट कर सकते हो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसके बाद मैं डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन डालूंगी नंबर नहीं करूंगी तो यहाँ पर जो मेरे रेस्पॉन्डेंट है जो रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का सो so वो सही से नहीं रिप्लाई कर पाएंगे सो so यहाँ पर मुझे जो डेटा मिलेगा इनका एक डिब्बी डेटा मिल सकता है यानी गलत डेटा भी मुझे मिल सकता है सो so याद रखिए सिस्टम सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक में आपके क्वेश्चन आपके को बताना चाहिए so, ये भी एक good quality होती क्वेश्चन एयर की इसी तरीके से इस ऑप्शन सी लिमिटेड साइज यानी सीमित आकार सो यस आपका एक सीमित आकार होना चाहिए क्वेश्चन एयर का यानी प्रश्न वाली का आपका जो आकार होता है वो एक सीमित होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने हजार क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए तो so, जब आप हजार क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे तो आपके जो रिस्पॉन्डर उनके उनके पास भी तो टाइम होना चाहिए आपके इतने सारे क्वेश्चन के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होगा आप जैसे जनरली देखते हो फीडबैक क्वेश्चन में या तो फाइव और टेन ही क्वेश्चन होते हैं जनरली ट्वेंटी होंगे उससे ज्यादा आपको नहीं देखने मिलते तो लिमिटेड साइज होना है क्वेश्चन एयर में तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन फिल कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप रख सकते हो लेकिन अगर लिमिटेड साइज हो तो ये गुड क्वालिटी है जिससे आपके जो रेस्पोंडेंट है वो आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे सो लिमिटेड साइज यानी सीमित आकार आपकी प्रश्नवली की एक विशेषता होती है जैसे कि आप देख रहे हो आपको ऑप्शन ए बी सी यानी विकल्प ए बी सी तीनों में भी आपको आपकी प्रश्नवाली की विशेषता दी गई है यानी क्वेश्चन के गुड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी ऑल दी अबव उपयुक्त सभी अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है ऑफ ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट सोर्स प्राइमरी डेटा सो इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है सो so, इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है सो so, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो ओके okay? ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो जो ओरिजिनल डेटा हो याद रखिएगा ओरिजिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करोगे ऐसा डेटा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें आपको आ, कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट टाइम जो आपको डेटा मिल रहा है जो एक न्यू डेटा मिल रहा है न्यू डेटा ओरिजिनल और जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा अब प्राइमरी डेटा रिसर्च में वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट विधि के थ्रू ओके सो प्राइमरी डेटा क्या होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जाता है जो ओरिजिनल हो जो न्यू हो और जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते और जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा याद रखिएगा प्राइमरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो नहीं होता है और ना ही कोई पुराने डेटा को हम कहेंगे प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल और जो न्यू डेटा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सो याद रखिएगा एग्जाम में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका जो जैसे नेम में ही मिलेंगे जो सेकेंडरी हो जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा हो जैसे आपको न्यूज पेपर और पेपर्स आर्टिकल जर्नल्स ये सारे चीजों में आपको जो डेटा मिलता है ये आपका सेकेंड डेटा होगा इवन uh, आपका जो इंटरनेट पर डेटा होता है ये भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है तो सेकेंडरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते जो पहले से ही डेटा पब्लिश हुआ होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा सो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा आपको इस टॉपिक पर एग्जाम में वन और टू क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे ही जाते हैं सो so, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है अब प्राइमरी डेटा जैसा हम देख ले जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करा जाता है जो ओरिजिनल डेटा हो और जो न्यू डेटा हो अब याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन एंड स्केड्यूल ये तीनों से ही आप नया डेटा जनरेट कर सकते हो अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है ऑब्जर्वेशन यानी जो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करते हैं चीजों को यानी टिप्पणियां मतलब आ, मान लीजिए रिसर्चर को किसी एनिमल्स पर स्टडी करना है ओके किसी कल्चर के बारे में स्टडी करना है इंडियन कल्चर हो गया कोई वेस्टर्न कल्चर हो गया अब मान लीजिए रिसर्चर इंडियन कल्चर पर स्टडी कर रहे हैं सो रिसर्चर क्या करेंगे इंडिया में जाके वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ के लोगों का मील क्या है वो किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है सो so, इन सारी चीजों को रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन से डेटा मिलने उनको ये होगा उनका प्राइमरी डेटा क्योंकि यहाँ पर वो एक न्यू डेटा जनरेट करेंगे सो so, ये होता है आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स उसी तरीके से क्वेश्चन एयर कृष्ण वाली क्वेश्चन एयर में फीडबैक क्वेश्चन जैसे होंगे ये एक एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन एयर एक लिस्ट होती है उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर सो क्वेश्चन एयर में आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं जो से जो पहले से ही वेल पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और सर्च यहाँ पर रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स लेते हैं जैसे आपने कोई फीडबैक फॉर्म देखा होगा तो ये सारे जो होते हैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन एयर में आते हैं फीडबैक फॉर्म्स जिसमें आपको यस नो टाइप में एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सो तो इनसे भी आप प्राइमरी डेटा जनरेट करते हो उसी तरीके से स्केड्यूल स्केड्यूल क्या होता है याद रखिये स्केड्यूल आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू ही होता है लेकिन स्केड्यूल ऐसा एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट से ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं याद रखिएगा स्केड्यूल में जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं पहले से ही रिसर्चर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं और वो पूछ लेते हैं अपने लिए रिस्पॉन्डेंट है सो स्केड यानी अनुसूची से भी जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ये आपका प्राथमिक डेटा का स्रोत होगा यानी प्राइमरी डेटा का सोर्स होगा सो so, यहाँ पर हमें विच इज नॉट पूछ रहा है जो प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है तो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सी एंड डी मतलब विकल्प बी सी डी प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई e, विकल्प लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन इतिहास तो so, याद रखिएगा लाइफ हिस्ट्री और जीवन इतिहास ये आपके प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं होता है यानी प्राइमरी सोर्स का सोर्स नहीं सॉरी प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं होता है लाइफ हिस्ट्री क्या होती है किसी की बायोग्राफी उसकी जो लाइफ हिस्टोरी है यानी उसने अपने लाइफ में जो जो चीजें परफॉर्म किया उसको एक्सप्लेन करना उसको एनालाइज कर कर एक्सप्लेन करना जैसे आप आ, आ, किसी की फिल्म देखते हो किसी की बायोग्राफी देखते हो सो यहाँ पर उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है सो यहाँ पर आप कोई न्यू डेटा जनरेट नहीं करते हो ये पहले से ही अवेलेबल डेटा होता है उसको एनालाइज कर आप उसको बताते हो सो याद रखेगा लाइफ हिस्ट्री ये आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं होता है बल्कि ये आपका सेकेंडरी डेटा का सोर्स होगा सो इस का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अगला प्रश्न एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को शामिल किया गया है in. so, इन में पूछा जा रहा है कि थीसिस है थीसिस में टेबल्स एंड फिगर्स यानी आपके आंकड़े और तालिकाओं को कहाँ रखा जाता है कहाँ इंक्लूडेड होता है कहाँ शामिल किया जाता है हमें ये पता करना है तो so, याद रखिए थीसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए उसको आप बताते हो उसे हम कहते हैं आपके फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ इंक्लूडेड होते हैं हमें ये पता करना है तो so, याद रखिए यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स नहीं पूछ रहा है अगर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछता तो ये आपके मेन चैप्टर्स में होते हैं यानी एक इसका यहाँ पर एक सेपरेट चैप्टर होता है लेकिन हमें सिर्फ फिगर्स एंड टेबल पूछा गया है लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स क्या होता है जिसमें एक लिस्ट होती है इसमें बताया जाता है कि आपके फिगर्स एंड टेबल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है अगर लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछा जाता क्वेश्चन में तो होता आपका सेपरेट चैप्टर आंसर लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिर्फ फिगर्स एंड टेबल्स यानी आंकड़े और तालिकाओं का कहा शामिल किया जाता है इनको कहा इंक्लूड किया जाता है याद रखिएगा, इनको इट सेल्फ में यानी पाठ स्वे में ही शामिल किया जाता है टेक्स्ट इन सेल्फ टेक्स इट मतलब क्या होता है अब मान लीजिए में कुछ मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ उसी टेक्स्ट के नीचे मैं टेबल बनाऊंगी या फिर उसी टेक्स के नीचे फिगर होता है ओके, okay, जब भी आप नीचे ही बनाया जाता है। उसको उनको कुछ कंफ्यूजन ना हो अगर आपके फिगर्स और टेबल्स नेक्स्ट अलग पेज पे हो गए कोई सेपरेट चैप्टर्स में होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ जाएगा सिर्फ फिगर्स और टेबल्स देखे आप कंटेंट पढ़ोगे और उसके नीचे उसका फिगर आप देख सकते हो एज अ रेफरेंस उसका टेबल आप देख सकते हो सो so, याद रखिएगा थीसिस में जहां पर आपका टेक्स्ट लिखा होता है टेक्स्ट से ही रिलेटेड नीचे उसका टेबल बनाया जाता है और टेक्स्ट के नीचे ही टेबल होते हैं या फिर फिगर्स होते हैं आपने जब भी देखा होगा फिगर्स अलग से नहीं दिया जाता है आपको टेक्स्ट के नीचे ही दिया जाता है सो तो याद रखिएगा थीसिस में फिगर्स एंड टेबल्स यानी आंकड़े एंड तालिकाओं जो आपका शामिल होता है ये आपके पाठ में ही होता है जहां पर आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसी के साथ होता है सो तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अब सेपरेट चैप्टर में नहीं होता है आपके लिस्ट लिस्ट सॉरी फिगर्स फिगर्स एंड एंड टेबल अगर ऑफ टेबल्स पूछा जाता है, तब आपका सेपरेट चैप्टर यानी एक अलग अध्याय ये ऑप्शन होता है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से अपेंडिक्स अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट सो so अपेंडिक्स क्या होती है अपेंडिक्स जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर होता है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हो बेसिकली आप यहाँ पर

So, यहाँ पर आपके फिगर्स और टेबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो so, याद रखिएगा आपके फिगर्स और टेबल्स कहा इंक्लूड होते हैं टेक्स्ट इट यानी जहां पर टेक्स्ट होगा उसी के साथ आपके फिगर्स और टेबल्स होंगे सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एंड किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थिति में संशोधन पर केंद्रित है विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन एम्बेजिंग द प्रीवेलिंग सिचुएशन इस so, प्रश्न में मैं पूछा गया है ऐसे कौन से रिसर्च है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको बदल देती है करंट सिचुएशन को वो सॉल्व कर देती है उसको बदल देती है एक तरीके से यहाँ पर अमेंडिंग मतलब होता है कि बदल देना और प्रेवलिंग सिचुएशन यानी करंट सिचुएशन करंट कुछ मान लीजिए कुछ करंट आपके पास समस्या है अभी जो चल रही है मौजूदा आपके पास जो स्थिति है उस स्थिति को आपको चेंज करना है सो so, आप कौन सी रिसर्च का उपयोग करेगे कौन से शोध का आप उपयोग करोगे कौन से अनुसंधान का आप उपयोग करोगे यह हमें पता करना है सो so, याद रखिए जब भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं और प्रश्न में कुछ करंट स्टेटस करंट स्टेटस का कुछ चेंज करना है सो so, ये आपका आ जाएगा एक्शन रिसर्च से रिलेटेड एक्शन हो रहा है आपने जो करंट आपका जो भी सिचुएशन है जो भी स्थिति है उसको आपने चेंज कर दिया सो so, आपने यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म किया जिसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब कि आपने कुछ एक्शन कर लिया मतलब करंट सिचुएशन थी कुछ समस्या होगी करंट कुछ सिचुएशन उसको आपने बदल दिया अब मान लीजिए करंट सिचुएशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको मान लीजिए मैं लाइव क्लास ले रही हूँ तो आप मुझे बोलोगे कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया तो so, मैं क्या करूंगी आपको फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर दूंगी तो so, मैंने यहाँ पर क्या किया आपको फिर से मैं दूसरे मेथड से स्टार्ट कर दूंगी आपको पढ़ाना तो so, मैंने यहाँ पर एक्शन ले लिया ओके okay? और आपकी समस्या का समाधान भी निकल गया आपकी समस्या खत्म हो गई इस सिचुएशन का मैंने आ, इस सिचुएशन को बदल दिया ओके जिस सिचुएशन थी जो स्थिति थी मौजूदा उसको मैंने बदल दिया तो मैं ऐसा किस रिसर्च में करूंगी किस शोध में मैं ऐसा कर सकती हूँ क्रियाविधि शोध में यानी एक्शन रिसर्च में सो so, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेंगे विकल्प भी आपको दिया गया है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रायोगिक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है प्रायोगिक अनुसंधान क्या होती है जिसमें आप दो चरों के बीच में कारण और प्रभाव देखते हो दो चरों के बीच में किस तरीके का संबंध है कैसा संबंध है कैसा दो चरों के बीच में किस तरीके से कारण और प्रभाव है? एक को एक वेरिएबल को एक चर को हेरफेर करने से दूसरे पर वो कैसा प्रभाव दिखा रहा है ये हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सो so, यहाँ पर हमें किसी आ, चरों के बीच का रिलेशन हमें नहीं दिया गया है प्रश्न में सो यहां पर आपका विकल्प भी गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प सी मौलिक अनुसंधान जैसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं तो मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है मेन एम क्या होता है कि रिसर्चर इस रिसर्च को इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकते अपनी जिज्ञासा को फुलफिल कर सके इसीलिए मौलिक अनुसंधान का, का उपयोग करते हैं तो पर मौलिक अनुसंधान भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा तरीके से विकल्प डी कंक्लूसिव रिसर्च यानी निर्णायक अनुसंधान जिसमें आप निर्णय लेते हो जिसमें आप कुछ कंक्लूजन पर आते हैं आप कुछ कंक्लूजन बता दे हो। उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव रिसर्च तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए एक्शन रिसर्च और क्रियाविधि अनुसंधान एंड Thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.